के साथ एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जो है एक स्कूटी और कार की टक्कर हो गई शहीद पथ पर, जो है समिट बिल्डिंग के सामने ये घटना हुई। गोमती नगर विस्तार 6 की सीमा वर्ग में इसमें मौत हो गई और एक्सीडेंट में सीमा वर्मा की मौत हो गई, ऐसी खबरें आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां स्कूटी में कार ने जो है जोरदार टक्कर मार दी शहीद पथ पर, समिट बिल्डिंग के पास की घटना है। आपको बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवती की मौके पर ही मौत हो गई। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, शहीद पथ पर समिट बिल्डिंग के सामने रोड पर पड़ी बजरी से अनियंत्रित हुई थी स्कूटी और पीछे से आ रही कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिस पर स्कूटी सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा काफी ज्यादा जो है भयानक था, तेज रफ्तार कार थी और स्कूटी का संतुलन जो है बिगड़ा हुआ था, इसके चलते ये बहुत बड़ा हादसा हो गया जिसमें युवती को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, इसमें युवती का नाम बताया जा रहा है, सीमा वर्मा युवती का नाम बताया जा रहा है। अनियंत्रित हो गई थी स्कूटी, आप देख सकते हैं सड़क की हालात क्या है। ऐसे में तेज रफ्तार कार आई और स्कूटी और कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें महिला को पहले तो गंभीर रूप से चोट आई, फिर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बड़ा अपडेट आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां एक स्कूटी और कार की टक्कर हो गई जिसमें स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। तो खबर आपको बता रहे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रोड के कितने हालात बुरे हैं। ऐसे में महिला की स्कूटी जो थी अनियंत्रित हो गई थी और तेज रफ्तार कार समय पर ब्रेक नहीं लगा पाई और ये बड़ा हादसा हो गया। ऐसे में ये हादसा कई सवाल भी खड़े कर रहा है प्रशासन पे, ट्रैफिक पुलिस पे, कि इस जब रोड खराब है तो लोगों को यहाँ पर क्यों आने दिया जाता है और ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे। बड़ा अपडेट आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, जहाँ एक स्कूटी और कार की भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई। इसी के साथ इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अविनाश जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अविनाश, एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया जिसमें महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल अस्मिता, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारी चल रही है, पूरे राजधानी लखनऊ के चौराहे और सड़कें रोडे सजा दी गई थी, लेकिन उसी बीच जो शहीद पथ है राजधानी लखनऊ का, जो शहीद पथ का रास्ता है उस पे समिट बिल्डिंग के पास जो सड़क पर बजरी पड़ी हुई थी उस पर एक महिला निकलती है और बजरी से महिला की स्कूटी फिसल जाती है और पीछे कार से उससे टक्कर लग जाती है। तो राजधानी लखनऊ में कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा एक हादसा है और जिस तरीके से इसको लापरवाही भी कह सकते हैं कि जहां जिस तरीके से पूरे राजधानी लखनऊ को सजाया गया है और इन्वेस्टमेंट को लेकर जिस तरीके से चौक चौबंद की गई, तो कहीं ना कहीं ये जो बजरी पड़ी रही है, इतने अफसर निकले उस सड़क से लेकिन किसी ने इसे ध्यान नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं ये विभूति कंठाने की बड़ी लापरवाही है। जी बिल्कुल अविनाश, कार चालक पर कोई कार्रवाई हुई, इसे पुलिस ने पकड़ाया नहीं अब तक? जी बिल्कुल, अभी इस चीज का इसका अपडेट नहीं आ पाया है, कार चालक की पकड़ा गया है कि नहीं, लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल इनिशिएटिव की शुरुआत हुई थी उसको लेकर शहीद पथ भी सजाया गया था और राजधानी लखनऊ का जो विभूतिगंज थाना है उसके वहां पे अफसर भी सबमिट बिल्डिंग के पास का ये मामला है जहां पर स्कूटी सवार महिला की मौत हो जाती है, ये राजधानी लखनऊ का आज एक बड़ा हादसा है। जी बिल्कुल, एक तरफ आपने जैसा बोला कि पूरे लखनऊ को सजाया जा रहा है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी लापरवाही है ये ट्रैफिक पुलिस की भी और जिम्मेदार अधिकारियों की भी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि इसमें जिम्मेदार अधिकारियों की तो एक बड़ी लापरवाही है कि इतनी अगर रोड पर सड़क पर इतनी बजरी पड़ी हुई थी तो कितने अधिकारी निकले, लेकिन किसी भी अधिकारी की उसने संज्ञान नहीं लिया, किसी अधिकारी ने उस पर बजरी को देखा नहीं और महिला निकल रही थी, महिला की स्कूटी फिसलती है और पीछे से कार सवार चालक जो है महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो जाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एक तरफ तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर काफी ज्यादा तैयारियां की है सरकार ने, वहीं दूसरी तरफ की ये तस्वीरें जो है दिखाती है कितनी बड़ी लापरवाही की जा रही है। रोड पर पथरी पड़ी होने के कारण महिला की स्कूटी अनियंत्रित हो जाती है, फिर पीछे से एक कार आती है और भीषण हादसा यहां हो जाता है जिसमें मासूम महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल अधिकारियों पर खड़ा करता है।